अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसके बारे में एक बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, अब तानाजी के बारे में बात करनी शुरू करनी पड़ेगी तो लोग बोलेंगे बस हो गया भाई तेरा, बस हो गया सलमान खान की फिल्म दबंग आके जा चुकी है, गुड न्यूज भी आके रिलीज होके जा चुकी है। भैया अब तो बता न्यूज कुछ तानाजी की, तो एक अच्छी न्यूज आई वो आपको बताना चाहता हूँ। तानाजी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है दोस्तों, U/A यानी कि यूनिवर्सल एक्लेम इसे कहीं ना कहीं मिला, यानी कि 12 साल के कम उम्र के बच्चे फैमिली के साथ देख सकते हैं। सबसे बढ़िया रेटिंग होती है यू, जिसे हर तरह की ऑडियंस देख सकती है बिना किसी रोक टोक के, पर इसे यू ए मिला है जो एक लग भी रहा था मुझे। बात करते हैं इसके स्क्रीन टाइम के बारे में, जो जानना बहुत जरूरी है आपको। 2 घंटा 13 मिनट की फिल्म है, आई थिंक स्क्रीन टाइम बहुत सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म तानाजी जैसी फिल्म का स्क्रीन टाइम 2.5 घंटे से नीचे सोच ही नहीं सकता हूं। बट मेकर्स का कुछ अपना होगा लॉजिक लगाया हुआ कि 2 घंटा 13 मिनट की फिल्म रखे, मे बी ये देखते हुए कि ऑडियंस भी 2 घंटे के ऊपर जो फिल्में हैं आजकल नहीं हजम कर पाती है आजकल की फास्ट वाली दुनिया में, है ना। बट आई थिंक द फिल्म हैज इनफ फ्यूल कि ये फिल्म चलेगी, एंड 3D में रिलीज हुई तो 3D में ही देखूंगा। और ट्रेलर देखा था मैंने थिएटर में बैठ के, अजय देवगन जी बाजू में बैठे थे, अच्छा लगा था। सो फिल्म थिएटर में देखूंगा, एंड सबसे बड़ी बात है कि इसे सर्टिफिकेट आखिर मिल चुका है, दैट मींस अब हर हाल में ये फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होगी। एंड आई एम ऑल्सो मस्ट टेल यू, ये फिल्म मराठी वर्जन में भी रिलीज हो रही है उसी तारीख को। सो अगर आपको मराठी वर्जन देखना है तो जरूर देखिएगा, बट आई वुड रिकमेंड एक हिंदी फिल्म तो हिंदी वर्जन में देखना ज्यादा बेहतर, बट एज यू विश लाइक, है ना, आई कैन पॉइंट आउट ऑन दैट। बाकी फिल्म मैं तो देखूंगा और सपोर्ट करूंगा, एंड इट्स अ गुड फिल्म। अजय देवगन का एक अलग तरह का फिल्म शिवाय के बाद एक एक्शन से भरपूर एक हिस्टोरिकल अपील वाली फिल्म आ रही है, एक्चुअली आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। माफ करना कभी कभी यॉनिंग आ जाती है इसके लिए, बट हाँ फन के लिए आई एम एक्साइटेड, एंड दिस इज अ गुड न्यूज टू टेल यू। कितने सीन्स काटे हैं, क्या कम हुआ है, क्या ज्यादा हुआ, कुछ ज्यादा नहीं पता चला है, मे बी सेंसर बोर्ड से और डिटेल पता चलती तो मोर डिटेल में बताता खबर। बट लेट्स होप एंड विश कि फिल्म डज ए गुड जॉब एट द बॉक्स ऑफिस, बिकॉज द फिल्म लुक्स अराउंड 140-150 करोड़ फिल्म, इट्स नॉट ए सिंपल कम बजट का, एंड एक्शन में बहुत मेहनत की गई है, VFX में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। सो आई थिंक इट विल ऑल बी विजिबल इन थिएटर्स, तो चाहे आप अजय के फैंस हो, अजय देवगन के या ना हो, ये ऐसी फिल्म है जिसे सबको देखनी चाहिए, और इस साल की पहली सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है 10 जनवरी को। सो नेवर दिस मिस दिस मूवी इन एनी हाउ, एक अलग ही चीज देखने को मिलेगी, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, एक अच्छी फिल्म है। बाय बाय।